ये तुम्हें क्या हुआ?
से पहले हम संग्रामगढ़ की सीमा पार कर जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद मिलने पर भी तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? सूर्यवंशी विक्रम सिंह, अपना हट त्याग दो और मुझे स्वीकार कर लो। हाँ, हाँ मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। क्या तुम अपने हृदय और आत्मा से मुझे स्वीकार करते हो? हाँ। क्या तुम ये भी स्वीकार करते हो कि पहली रात मुझे छोड़ देने के बाद सारा दोष तुम्हारा था? हाँ। यही हाँ सुनने के लिए मैं हजारों वर्ष तड़पती रही। माँ, सुना तुमने? माँ सुनती हो? विक्रम सिंह ने हाँ कह दी। माँ, विक्रम सिंह ने हाँ कह दी। तुम अपने न्याय और अन्याय के तराजू में प्रेम पर तौलती रही और यहाँ यहाँ विक्रम सिंह ने मेरे प्रेम का उत्तर अपने प्रेम से दे दिया। माँ हाँ कहती? हाँ, मगर एक शर्त है। तुम सोने के यहां से जिंदा जाने दोगी? लड़की जाने से पहले अपना ये मंगल सूत्र तोड़ दे, क्योंकि इस मंगल सूत्र के टूटते ही तू विक्रम सिंह के बारे में सब कुछ भूल जाएगी। सब कुछ। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पति किसी की यादों में भी जीवित रहे। सुना नहीं तूने? मैंने कहा तोड़ दे अपना ये मंगल सूत्र।
झूठ झूठ कहती है तू कि तू हजारों साल प्यार में जलती रही। जो चीज हजारों साल तक जलती रही हो वो तेरी तरह पत्थर नहीं हो जाती। अगर तू सचमुच एक औरत होती, अगर तू सचमुच एक सुहागन होती तो तू जानती कि मंगलसूत्र जरूर गले में पहना जाता है, मगर इसका रिश्ता सांसों से जुड़ा होता है। और मंगलसूत्र के टूट जाने का मतलब सांसों का टूट जाना। तू मेरी मौत ही चाहती है ना, तो सुन, मैं मंगलसूत्र नहीं उतारूंगी। मैं मंगलसूत्र के बिना मर जाने से ज्यादा मंगलसूत्र के साथ मर जाना पसंद करूंगी। दे दे मौत, दे दे। ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं एक सुहागन की मौत मरूंगी जो तेरे नसीब में नहीं। मनोज, मेरे भाग्य पर कीचड़ उछलती है। सूर्यवंशी विक्रम सिंह, एक साधारण लड़की की जान बचाना तुम्हें शोभा नहीं देता। साधारण नहीं, इसने मुझसे प्यार जरूर किया है लेकिन मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। इसके प्यार पर खुदगर्जी का जरा सा मैल भी नहीं जम सका। ये लड़की साधारण लड़की नहीं हो सकती। और उसका मंगलसूत्र जो मैंने बाजार से खरीद कर उसके गले में डाल दिया था, उस मंगलसूत्र की डोर को सांसों की डोर से बांध लेने वाली ये सोनिया साधारण लड़की नहीं हो सकती। और अगर साधारण कहना है तो अपने आप को कहो, अपने आप को कहो, हजारों साल जीने के बाद भी तुम्हें ढाई अक्षर के प्रेम का अर्थ नहीं जा सकी। जो बात मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी वो मैं तुमसे आज कह रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। कुछ देर पहले तुमने जो मुझसे कहा था वो झूठ था। मैं सिर्फ सोनिया की जान बचाना चाहता था। ये मेरे लिए अपमान की चरम सीमा है और ये मेरे प्रेम की चरम सीमा है। सूर्यवंशी विक्रम सिंह, मैं तुम्हें इसे मारने के लिए फिर से विवश कर दूंगी। लेकिन यह मत भूल कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। तू इस बार नहीं जीत सकती क्योंकि अगर तेरे पास नफरत की ताकत है तो मेरे पास अब मोहब्बत की शक्ति है।